गाइस, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम सक्सेस स्टोरी। और मेरे पास ये कब से आके रखी है पता नहीं, मैंने ऐसे क्यों नहीं शेयर किया। मैं मेरी खुद की भी ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी ऊपर नीचे चलती रहती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी राइट अवे। ये मुझे भेजी है पूजा ने और ये 33 इयर्स की हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि 11 इयर्स तक इनकी पहले एक रिलेशनशिप थी जिनमें इनके और इनके बॉयफ्रेंड की फैमिली के बैकग्राउंड्स अलग थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी और हर किसी के अपने इश्यूज होते हैं। बोलती ये, इन्होंने बताया कि ये भी मांगलिक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टबर्न है कह सकते हो, या थोड़ी सी प्रोटेक्टिव है। तो ये ऑफकोर्स बहुत सच्चा प्यार करती थी और ये चाहती थी उस रिलेशनशिप में रहना, पर इवेंचुअली रिलेशनशिप लाइक फेल अपार्ट और इनके बॉयफ्रेंड ने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया। उसी दौरान इनकी मदर की डेथ, पहले तबीयत खराब हुई, तो इनके जो 4 साल ऐसे गए कि जब ये ब्रेकअप से भी गुजर रही थी और इनकी मदर की भी हद से ज्यादा तबीयत खराब थी। ये इनका वो टाइम था जो मैंने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला जो बताया ना, कि ये हद से ज्यादा पेन तब इन्होंने देख लिया, क्योंकि हर किसी को अलग अलग टाइम अमाउंट का पेन होता है, हर किसी की अलग जर्नी है। जिसको जितना ज्यादा पेन होता है जनरली, नथिंग इज, मैं कह रही हूं कोई भी चीज स्पेसिफिक आप नहीं कर सकते हो, वो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे पहुंच जाता है, मतलब उसका सब फास्ट फास्ट होता है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मान लीजिए कि उन्होंने बहुत ज्यादा पेन देखा, इनका ईगो एकदम से शैटर हो गया, तो इनको जो गाइडेंस मिलेगी डायरेक्ट मिलेगी। तो इन्होंने बोला कि जब इनकी मदर की डेथ हो गई और इनका जब ब्रेकअप हो गया और ये डिप्रेशन के फेज में थी, एकदम से इनको एंजल से गाइडेंस मिलना शुरू हुआ। और तब इन्होंने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना शुरू किया और इनको पता चला कि ऐसे मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है जिससे आपको गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस मिल जाता है। और वहां से इन्होंने बोला कि इनकी लाइफ एकदम चेंज होने लग गई, क्योंकि ऐसे दुख के टाइम में भी इनके पास एक सपोर्ट आ गया ना, जो कि एक अल्टीमेट सपोर्ट है, इससे बड़ा सपोर्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर इन्होंने फिर भी सोचा कि फिर भी उनको एक पार्टनर की तलाश थी। ऑफकोर्स हर किसी को होती है, हर कोई चाहता है कि कोई उससे प्यार करे, उसका सुख दुख शेयर करे। तो ये एक डिनर पे गई और उन्होंने बोला कि वहां पे एक पर्सन को उन्होंने देखा और एकदम से इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ, और स्पेशली इनको उनकी आवाज ने अट्रैक्ट किया। तो जो ट्विन फ्लेम्स का ऐसा होता है कि आपके ट्विन के हेयर या उनकी, ऑफकोर्स उनकी आईज तो है ही, कोई भी एक ऐसा और फीचर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जो कि बार बार आपके विजन्स में आएगा, जो बार बार आपको एक फिजिकल फीचर उनका ऐसा होगा जो भी है ना, जिससे कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करोगे, सोल वाला भी और फिजिकल अट्रैक्शन भी। तो इनको ऐसा लगा कि, बट उस टाइम तो इनको ट्विन फ्लेम्स के बारे में कुछ पता नहीं था, तो ये आ गई, घर आ गई वापस। पर क्योंकि इनको गाइडेंस मिल रहा था, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली अपने बॉयफ्रेंड से ये ज्यादा अवेयर हैं, अवेकंड हैं, तो इनके अंदर से एक आवाज आई, डिवाइन फेमिनिन भी बोल सकते हैं हम इनको, कि इन्होंने कॉन्टैक्ट किया उनको सोशल मीडिया के ऊपर। और जब इन्होंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बताया कि उनको भी इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ था उस टाइम पे, बट उन्होंने रिएक्ट नहीं किया था। उनके भी फादर की डेथ हो चुकी है और वो भी मांगलिक है। दिस इज सच अ कोइंसिडेंस। तो ये दोनों अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली इतने ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं कि इनको, मुझे नहीं लगता कि अब रनर चेजर स्टेज देखने की जरूरत है, बिकॉज वो ऑलरेडी, जो पेन एक रनर चेजर का होता है, जो ईगो की इनकी जो लेयर्स ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, वो ऑलरेडी मैच्योर स्टेज पे हैं और अब ये अपने ट्विन फ्लेम के साथ में बहुत खुश हैं। और इन्होंने ऑफकोर्स, मैं इनको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करी जिससे कि हम सब लोगों की वाइब्रेशन हाई होगी, हम सब लोगों की लाइफ में एक होप आएगी इटर्नल लव के लिए। और उन्होंने बाद में इनका एक और मेल आया था जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि इनकी मदर इनके ड्रीम्स में आ रही है इनके ट्विन फ्लेम के साथ में। तो क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है जिसमें कि आपको डिवाइन से बार बार, आपको बार बार उनका नाम क्यों दिख रहा है, बार बार क्यों 11-11 दिख रहा है, बार बार उनका नाम दिख रहा है, बार बार सॉन्ग्स क्यों सुन रहे हैं, बिकॉज आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है कि यू टू आर सपोज टू बी विद इच अदर, आपको एक दूसरे के साथ में रहना है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके ट्विन फ्लेम की एक जर्नी है, उनका एक अलग ईगो है, उनकी एक अलग, वो एक अलग स्टेज पे है, मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, उनकी फ्री विल है जो भी है। तो ये चीजें आपको तभी तक ट्रिगर करेंगी जब तक कि आप ये सोचते रहेंगे कि आपका ट्विन फ्रेम आपकी बॉडी से बाहर है, और जब तक आप उस पीस की स्टेज में नहीं पहुंच जाएंगे। जब एक बार आप उस पीस की स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां पे आप एक यू नो अल्टीमेट जेन की, जब आप स्टेज में पहुंच जाएंगे, विच इज उस स्टेज में पहुंचाने के लिए ही आपको ये जर्नी रची गई है पूरी, तब आपको ये चीजें ट्रिगर नहीं करेंगी।
तब आपको बस ये लगेगा कि ये एक स्टोरी है और ये सब होना लिखा था, और तब आप हर चीज को एंजॉय कर रहे होंगे, हर चीज को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे कि आप एक सोल में एक जर्नी तय कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा मौका मिला इटर्नल लव को फील करने का, ये सब फीलिंग्स को फील करने का। तो आज बस मैं उनकी स्टोरी को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और उनको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, बहुत सारी गुड विशेस देना चाहती हूँ कि ये दोनों लोग हमेशा खुश रहें। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगे तो आप इनको ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे स्टोरी उनकी हेल्प कर सकती है। ओके, टेक केयर ऑफ यू, बाय।